स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिविल इंजीनियर्स ब्रो में। जी हाँ दोस्तों, और आज की वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी को सरस्वती पूजा एवं बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माता सरस्वती की कृपा हो कि आप सभी की लाइफ में खुशियां ही खुशियां हो, और माता सरस्वती की कृपा से आज के डेट में विभिन्न पेपरों के माध्यम से एक गुड न्यूज़ निकल कर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, जो भी बेटिंग कैंडिडेट है, बेटिंग लिस्ट में शामिल है, या फिर वो स्पेशल सर्वे अमीन है, स्पेशल सर्वे कानूनगो है, या फिर स्पेशल सर्वे क्लर्क है, या फिर असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर है, अगर आप इंटरेस्टेड है ठीक है सेकेंड लिस्ट के लिए और चाहते हैं कि आपका नाम हो, तो आज के पेपर में बहुत बेहतरीन न्यूज़ आया। जी हाँ दोस्तों, उसको एक शब्द में बोला जाए तो गुड न्यूज़ आया है। तो चलिए, क्या पूरा इन्फॉर्मेशन है, क्या न्यूज़ आया है, वो सारा न्यूज़ विस्तार से आप सभी को देने की कोशिश करेंगे, और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ आप मेरे वीडियो को अपने ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, शेयर करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और कोई भी डाउट हो तो कॉमेंट करें। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। तो ये पेपर का कडिंग है, और जो कि आज के डेट में है जारी किया गया है। मैं आपको एक पेपर का पूरा पेज भी दिखा दूंगा, जिससे आपको संभवतः समझ में आ जाएगा कि ये पेपर आज का है और ये लेटेस्ट अपडेट है, पुराना वाला पेपर नहीं है। जी हाँ दोस्तों, और बात कर लेंगे इसमें जो भी 550 सेलेक्टेड कैंडिडेट है अमीन के, उनके भी रिगार्डिंग इसमें जारी किया गया है, और साथ ही जो स्पेशल सर्वे अमीन, स्पेशल सर्वे क्लर्क, स्पेशल सर्वे कानूनगो और असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर के फोर्थ टाइम रीज्वाइनिंग का जो प्रक्रिया शुरू होने वाला है, उसके बारे में भी इसमें जारी किया गया है। तो देख सकते हैं, हेडिंग देख लीजिए, टाइटल देख लीजिए, राजस्व विभाग में अगले माह पुराने पैनल से भरे जाएंगे। ये शब्द पे आप गौर करेंगे, नोटिस करेंगे, पुराने देख सकते हैं। पॉलिटिकल रिपोर्ट पटना का है ये पेपर, ठीक है, पटना का जो न्यूज़ है। और राजस्व विभाग में अगले माह पुराने पैनल से भरे जाएंगे 2200 रिक्त पद। जी हाँ दोस्तों, बहुत अच्छी खबर आई है निकल के, बहुत बेहतरीन, बहुत गुड न्यूज़ निकल के आ रही है सेकेंड लिस्ट के रिगार्डिंग और बेटिंग लिस्ट के रिगार्डिंग। इसमें साफ साफ तौर पे विभाग एक्टिव हो चुकी है, और चलिए विस्तार में और जान लेते हैं कि और क्या क्या इसमें, किन किन बातों को इसमें जाहिर किया गया है, और कब तक सेकेंड लिस्ट का प्रकाशन किया जा सकता है, ज्वाइन की प्रक्रिया की जा सकती है। तो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में भूमि सर्वेक्षण कार्य से जुड़े 2200 खाली पदों को अगले माह पुराने पैनल से ही भरे जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, पुराने पैनल से ही भरे जाएंगे, ये शब्द पर आप गौर करेंगे। इन पदों पर चयनित ने अब तक ज्वाइन नहीं किया है, विभाग ने उन्हें अंतिम चेतावनी दी है, 25 से 27 फरवरी तक ज्वाइन करने को कहा है। जी हाँ दोस्तों, जो भी फर्स्ट लिस्ट में सेलेक्टेड कैंडिडेट थे, और अभी भी उनमें से बहुत सारे जो कैंडिडेट ज्वाइन नहीं किए हैं और इच्छुक है करना, तो उनको चौथी बार विभाग मौका देने जा रही है, और ये लास्ट मौका है, इसके बाद सेकेंड लिस्ट का प्रकाशन पुराने पैनल से किया जाएगा। ऐसा न करने पर पहली परीक्षा से ही बनाए पैनल में उनके नीचे के रैंक, जी हाँ दोस्तों, इस लाइन पे भी आप गौर करेंगे, उनके नीचे के रैंक वालों को बहाल किया जाएगा। राजस्व विभाग के संयुक्त सचिव जैसी निर्देश पर ज्वाइन करने वालों की जैसी के निर्देश पर ज्वाइन नहीं करने वालों की सूची निदेशालय के वेबसाइट पर डाली गई है। विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारियों के 55, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो के 211 और लिपिक के 188, वही विशेष सर्वेक्षण अमीन के 1499 पदों पर नियुक्ति होनी है। जी हाँ दोस्तों, मतलब इतना सीट जो है अभी भी विभाग में रिक्तियां हैं, और बात कर लें कि कितने लोग रिज़ाइन किए हैं, कितने कर्मचारी या कितने कैंडिडेट रिज़ाइन किए हैं, तो इन पदों पर ज्वाइन करने के बाद करीब 200 कर्मियों ने रिजाइन दिया है। इसके लिए पदों को फिर भरना है। 27 जून से अब तक 3 बार ज्वाइन न करने वालों को रिमाइंडर दिया जा रहा है। इस बीच विभाग ने 534 अमीनों को दिया दोस्तों, जो 550 अमीन की लिस्ट थे उसमें 534 अमीन सेलेक्ट हुए हैं, और उनको 25 से लेकर 27 फरवरी यानी 25-26-27 फरवरी 2021 के बीच राजस्व सर्वे निदेशालय पटना में ज्वाइन करने का निर्देश दिया गया है। जी हाँ दोस्तों,
534 वाले जो कैंडिडेट है, 534 प्लेन अमीन के जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है, उनको मैं बता दूं कि एक वीडियो में और जारी करूंगा, जो मैं अपने तरीके से, अपने शब्दों में और साफ साफ ढंग से जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं वैसे कैंडिडेट जो कि ज्वाइन कर चुके हैं, उन सभी के माध्यम से मैं सारे चीज़ को पता लगा कर आप सभी के सामने वो वीडियो मैं लाऊंगा। ठीक है, तो आप थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे और बेटिंग वाले कैंडिडेट इस वीडियो को इंजॉय करेंगे। ठीक है, अगले माह इस वीडियो में आपका जारी कर दिया गया है कि अगले माह जो है पुराने पैनल से जो है सीट को भरे जाएंगे, तो इस वीडियो को इंजॉय करेंगे। ये अभी तक के लिए गुड न्यूज़ है और बेटिंग वालों के लिए फेवर में है, और विभाग के जो डायरेक्टर है वो साफ तौर पे निर्देश दिए गए हैं। तो जो भी फिलहाल जो है विभाग में कार्य चल रहा है उसके बारे में इसमें चर्चा किया गया है, तो पटना में ज्वाइन करने का निर्देश दिया गया है। तो चलिए बताते हैं किन किन पेपरों में आज के डेट में यह जो है अपडेट जारी किया गया है बेटिंग वालों के लिए, जो कि बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है। ठीक है ना, और बहुत अच्छी खबर है, माता सरस्वती की कृपा रहे कि इसी माह या अगले माह तक आप सभी का ज्वाइनिंग भी हो जाए। तो देख सकते हैं ये दैनिक भास्कर का ये पेपर है, ये और आज का डेट का ही है। ठीक है, 16 फरवरी, और यहाँ पे नीचे बात कर ले तो देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है जो अब तक ज्वाइन नहीं किए हैं उन्हें 25 से 27 के बीच अंतिम मौका, वही भूमि सर्वे से जुड़े 22 और रिक्त पदों को अगले माह पुराने पैनल से भरा जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये दैनिक भास्कर का कटलेट है। ठीक है, देखिए प्रभात खबर की बात कर ले तो प्रभात खबर में भी जारी किया गया है, देख सकते हैं प्रभात खबर। ठीक है, और इसमें भी जारी किया गया है कि चयनित अभ्यर्थियों के योगदान न करने से खाली रह गए हैं 1953 पद। ठीक है, इसमें विस्तृत जानकारी दिया गया है, इसमें कितने लोग जो है खाली हैं और उसके बारे में, और बात कर लेते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। कुछ कोविड के कारण चयनितों ने योगदान नहीं दिया, कोविड के कारण बड़ी संख्या में चयनितों ने योगदान नहीं दिया, विभाग कोविड के कारण सोच रही है, लेकिन अभी तक तो कोविड नहीं है, लगभग लगभग अभी तो सब कुछ ओपन हो चुका है ना। 27 जून 2020 से 2 दिसंबर तक कई अफसरों के बाद भी कई नियुक्तियां चयनित अभ्यर्थियों द्वारा योगदान नहीं किया गया। भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय जैसी ने सभी को अंतिम मौका देते हुए नई नियुक्ति रद्द करने का आदेश जारी किया। वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने निर्धारित तिथि के अंदर योगदान नहीं किया उन्हें योगदान के लिए अंतिम अवसर प्रदान किया गया है 25 से 27 फरवरी। तिथियों के अनुसार अपना योगदान राजस्व एवं प्रशिक्षण संस्थान पटना में कर सकते हैं। योगदान नहीं देने पर उनकी जगह प्रतीक्षा सूची से पद भर दिया जाएगा। सकेल लिस्ट में करीब 2000 नाम है, यानी कि प्रभात खबर में एक और गुड न्यूज़ शामिल कर दिया है कि जो सेकेंड लिस्ट है उसमें लगभग लगभग 2000 नाम है, यानी कि लिस्ट जो है प्रिपेयर हो चुका है, लिस्ट प्रिपेयर हो चुका है, बस ये जो चौथी बार रीज्वाइनिंग का प्रोसेस है ये ख़त्म हो जाए और हम जो बेटिंग वाले कैंडिडेट हैं उनका लिस्ट जो है जारी किया जाएगा। तो बहुत बहुत अच्छी खबर है, बहुत अच्छी खबर है, गुड न्यूज़ है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फैलाइए, लाइक कीजिए, मज़ा ही आ गया पढ़कर। ठीक है, जिसके लिए मैं लगातार कई महीनों से लगा हुआ हूँ और उस चीज़ के लिए जो है बहुत अच्छी न्यूज़ आई है, बहुत अच्छी न्यूज़ आई है, मुझे दिल से बहुत अच्छी बहुत खुशी मिल रहा है ये सब चीज़ सुनकर। तो अब देख सकते हैं कि ये जो चौथी बार जो दिया जा रहा है इसमें आप योगदान नहीं देते हैं तो उनकी जगह प्रतीक्षा सूची से पद भर दिया जाएगा। यह साफ साफ लिखा हुआ है प्रतीक्षा सूची, यानी वेटिंग लिस्ट से भर दिया जाएगा। सेकेंड लिस्ट में करीब 2000 नाम है, यानी कि लिस्ट जो है तैयार हो चुका है, प्रिपेयर हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, तो इंजॉय कीजिए आज सरस्वती पूजा है, माता का कृपा है और माता की कृपा इसी तरह रहेगा तो अगले माह तक आप सब भी जो है सरकारी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो जाएंगे। तो चलिए इंजॉय कीजिए इस वीडियो को, और आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।